नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ आरती बिनिया। कोरे जिले के नागपुर में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में बुंदेली की टीम में दर्ज की 9 अंकों से जीत ली, जिसमें मुख्य अतिथि रहे भरतपुर विधायक गुलाब कमरो। वहीं बता दें कि आज नागपुर मुख्तियार पारा पंचायत में सरगुजा विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष गुलाब कमरो ने कबड्डी फाइनल के मुख्य अतिथि हुए, एवं विजेता टीम बुंदेली की गोंडवाना टीम ने 9 पॉइंट से फाइनल मैच जीता। तो वहीं आमदार की टीम को उप विजेता के पद से संतोष करना पड़ा। मुख्य अतिथि ने दोनों टीम को पुरस्कृत किया। इस प्रतियोगिता में पूर्व विधायक श्रीमती चंपा देवी पावले भी उपस्थित रही। सरगुजा विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष विधायक माननीय गुलाब कमरो ग्राम पंचायत मुख्तियार पारा में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान बताया कि कांग्रेस सरकार खेल को प्रोत्साहित करने के लिए जिस प्रकार खेल प्राधिकरण का गठन किया है, निश्चित रूप से इसे गांव-गांव में खेल को बढ़ावा मिल चुका है एवं एक अलग ही मंच मिला है। और जल्द ही हमारी सरकार द्वारा जिला एवं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। से जिस तरह से आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जिस तरह से खेल प्राधिकरण का गठन किए, इसलिए आप देखेंगे गांव-गांव में, चाहे वो कबड्डी का खेल हो चाहे क्रिकेट मैच हो, निश्चित रूप से गांव में जो छिपी प्रतिभा को मंच मिला है, मैदान मिला है, निश्चित रूप से इसलिए हम लोग गांव-गांव पहुंच के यहां पर जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको हौसला बढ़ा रहे हैं, ताकि वो यहां से निकल के ब्लॉक स्तर पर पहुंचे, ब्लॉक से जिला और प्रदेश तक अपना नाम और पहचान इस क्षेत्र का बना सके। जिले में कबड्डी खेल को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए कौन से कदम छत्तीसगढ़ सरकार उठा रही है? प्रशासन की तरफ से हम लोग ने एक प्रोग्राम बनाया है, उसमें हम लोग सेक्टर में, ब्लॉक में, इसको जिला स्तर पर एक टूर्नामेंट कराने वाले हैं। बहुत जल्दी हम लोग इसका पूरा रूपरेखा तैयार हो गया है। बहुत जल्दी फरवरी मार्च में ऐसी संभावना है कि मैच होगा।